है ना टेस्टी और अच्छा। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्राइड राइस। हेलो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेज रेसिपी। इसमें बहुत सारे सब्जी हैं और बहुत न्यूट्रिशन भी है। आइए हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। ये पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। फिर इसमें हम थोड़ी 1 चम्मच सरसों डालेंगे तड़के के लिए। अब मेरा सरसों तड़कने लगा है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप तीखा ज़्यादा डालिए, क्योंकि हम मसाला इसमें नहीं डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गोभी डालेंगे। गोभी हम मीडियम से भी छोटा लिए हैं, 1 कटोरी। और इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए हम स्प्रिंग ऑनियन का यूज़ किए हैं। तो इसका ऊपर का पार्ट से उसको हम कट करके डाले हैं, वो भी आधा कप है। अब इसमें हम कुछ मटर के दाने डालेंगे। सभी सब्जी हम थोड़े थोड़े मात्रा में, मतलब आधा कप लिए हैं। और इसमें नमक और हल्दी डालकर हम अच्छे से सौगे करेंगे और थोड़ा गोभी और मटर को पकने का टाइम देंगे। हल्दी खाना बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम अब टमाटर डाले हैं। टमाटर आधा कप टमाटर भी है, यानी एक मीडियम आकार का टमाटर है। अब इसको हम ढक देंगे और फ्लेम बहुत मीडियम रखेंगे। देखिए सब्जी का पानी कैसे निकल गया है। अभी गोभी का है, अभी गोभी टमाटर मटर सभी अच्छे से पक जाएंगे। इसको इसलिए ढककर हम पका रहे हैं। देखिए गोभी हो चला है। अब इसमें हम बची हुई गाजर, रेड कैप्सिकम, बीन्स, हरा कैप्सिकम, ये सभी मिक्स करके अच्छे से सौगे करेंगे। और इसमें थोड़े धनिया का पत्ता भी डालेंगे, लास्ट में भी डालेंगे और थोड़ा इसमें भी डालेंगे। थोड़ा देर के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। देखिए हो गया है, सभी मिक्स हो गया है, अच्छे से मेरा सब्जी पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा पेपर पाउडर डालेंगे।
अब राइस डालेंगे। राइस हमने पहले से ही पका कर रखा है। हाँ, सोया सॉस 2 चम्मच डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और राइस हमने पहले से पका कर रखा है। राइस में हमने चक्री फूल और दालचीनी वो डालकर पकाए हैं। थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन लीफ डाल देंगे। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल हम 1/2 kg लिए हैं। हाफ के जी से कम ही है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम धनिया से इसको देखे ना, इसमें कोई भी मसाला नहीं है। और ऐसा आप बना कर खाइए, फुल हेल्दी है और तेल भी कम है और टेस्ट में 100 मिर्च से 200% ज़्यादा टेस्टी मिलेगा आपको। आप एक बार ये रेसिपी बनाइए। ना इस पे आपको सब्जी की ज़रूरत है, ना चटनी की ज़रूरत है, बस ना अचार की ज़रूरत है। आप खाओगे तो खाते ही रहोगे। लीजिए, चावल मिक्स हो गया। स्पून से आपके लिए परोस रही हूँ, अभी आपको प्लेट में देती हूँ। हाँ, धनिया का पत्ता है, ऊपर से डाल देंगे अच्छी तरह से। लीजिए, गर्मा गर्म फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस रेडी है। ये आपके लिए है, आप खाइए। आपको रेसिपी कैसी लगी, लाइक कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसे नेक्स्ट वीडियो का मिलना है।